सनातन के विरोध में। प्रशांत सर बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अपनी मूवी में सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। सारे के सारे रुक गए, तो सारे देख रहे हो रहा है क्या सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं यहाँ के प्रेजेंट विधायक की गाड़ी है, तो चलिए इनसे मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है सबका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिलासपुर में। दरअसल पिछले कल का मैं बिलासपुर आ गया था, और आज मैं जिनके पास रह रहा हूँ ना, तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है, मतलब बिलासपुर के सबसे बड़े यूट्यूबर है। तो उनके पास मैंने स्टे किया था पिछले कल का, और मेरे साथ कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए हैं, क्योंकि आज है हिमाचल का पहला, मतलब लाइफ का सबसे पहला, मतलब एक टाइप से मीटअप। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, मतलब मेरे को सुनने में आया 500 से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आ रहे पूरे ऑल ओवर हिमाचल से। एक टाइप से ऐसे ही है कि पूरे ऑल ओवर हिमाचल से सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, जैसे यूट्यूबर हो गए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए। तो आप सबको इंटरेक्ट करूँगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ, क्योंकि मेरे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आने वाले हैं। और आज की जो चीफ गेस्ट होगी वो है कंगना रनौत, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ खड़ी है गाड़ी जिसमें कि अभी हम जाएंगे मीटअप के लिए, तो ये है ब्लैक स्कॉर्पियो, और पूरी मंत्रियों वाली गाड़ी है, क्योंकि पिछले कल हम गए थे अनुराग जी से मिलने। तो देख सकते हो यहाँ फूलों की माला भी टंगी हुई है, और आगे की साइड फ्लैग रोड भी लगी हुई है। फूल थोड़े से मुरझा गए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले कल ये सुबह लगे थे ना, और एक दिन पूरा हो गया तो मुरझा नहीं थे। और मैंने सोचा कि मैं फ्रंट सीट में बैठूंगा, क्योंकि अभी मीटअप के लिए हमने निकलना है, और आधा घंटा में लग जाएगा यहाँ से पहुँचते हुए। और बैकग्राउंड की ना साउंड थोड़ी सी इग्नोर करना, क्योंकि मैं किसी और के गाँव में आया हूँ, किसी और के इलाके में आया हूँ, और ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो इस समय हम गाड़ी में अपना सामान रख रहे हैं, क्योंकि आज घर भी वापस चल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मिलाते हैं आर्यन भाई से। क्या हाल है बड़का जी? ठीक ठाक। पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, कैसा लग रहा आपको? पहली बार आया, ब्लॉग में कभी नहीं आया हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में आए हो, बोलो कुछ कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, लोग होंगे वहाँ पे, देखते हैं ठीक है वहाँ। और भाइयों आपके क्या हाल है? तो बढ़िया, यहाँ भी रखते हैं ठीक ही हाल है। तो पीछे की साइड हमारा सामान भी सेट कर दिया है। राम राम, बढ़िया। आओ कोई ना दौड़ के, सारे अपने बंदे हैं यार, अपने संघ के बंदे, संघ के बंदे ना भाई। जय श्री राम, जय श्री राम बड़का। आगे सेक्रेटरीट की गाड़ी चली हुई है। मित्रा दा ना चले गोली वांग उठा, गोली वांग उठा, देख पैंदा पूरा गा, तेरे वांग तेरी सेली कहंदी मिलने दा चा, मिलने दा चा, पर लभदा नहीं रा। मित्रा दा ना चले गोली वांग उठा, गोली वांग उठा, देख पैंदा पूरा गा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर आपके भाई हमारे नहीं है। हम सबसे लेट हो गए भाई, हम ना भाई, ये मुन्ना भाई आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराई, ये है हिमाचल के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर जिनके है 2 मिलियन हो गए। पार्टी गाड़ी हटा दो भाई। हमें एक कार्ड दिया, एक पेन दिया, और एक कॉपी दी हुई है जिसमें लिखा है फर्स्ट हिमाचल सोशल मीडिया मीट। भाई सबसे सेक्सी मुन्ना भाई लग रहे हैं, आंखों में जोश दिख रहा है, और मेरी आंखों में नींद। जो प्रेजेंट एमएलए और बताओ कुछ नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि लोगों को लगता है फास्ट फूड ही जल्दी जल्दी में देना है, तो बता रहा था कि पुलिस आप सब बस निकाल कर यहाँ आए, और ये मेरा पहला कार्यक्रम है मेरी जन्मभूमि पे हिमाचल में। तो मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है कंगना मैम के लिए। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सनातन पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, मगर अपने देश में सनातन के विरोध में स्पेशली जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अपनी मूवी में सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। जैसे कहते हैं कि शिव जी भगवान में दूध मत चढ़ाओ, और साथ ही साथ दिवाली में मतलब पटाखे मत चढ़ाओ, पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू धर्म की बेइज्जती करोगे तो हिंदू कुछ बोलते नहीं, बाकी धर्म की बेइज्जती करेंगे तो मतलब दंगी हो जाएगी। जो लोग खुद भारत और सनातन के रास्ते में देखो लेने कर बने हुए हैं, उनकी मेंटालिटी कैसे है जनरेशन? जिंदगी सवार इंडस्ट्री च पामे हले जानदा नहीं कोई, तू गाने आ च देखी एंड गल बात हुई, गीत मेरे आंदे रहने महीने विच तन, तेरे यार नहीं बनना देखे इंडस्ट्री दा किंग। युग नामे जागे जय हे जय हे भारत माता की जय। तो मेरे बड़े भी अभी यहाँ आ गए हैं। हाँ अरुण भाई, भाई एक सामने चुप ही रहना, वरना भाई आ गया ना मुन्ना भाई।
भैया के सामने ज़्यादा नहीं बोलना, चुपचाप चलना हमने, ठीक है। दाम दूँ खाने की नहीं खानी है। तो इस समय खाई जा रही है हिमाचली धाम, क्योंकि जब कभी हिमाचल में कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी होगी, कोई फेस्टिवल हो गया, तो धाम ही बनती है। तो यहाँ बन रही है जो बिलासपुर की फेमस धाम है ना, तो वो बन रही है यहाँ। दोस्तों इस समय मतलब धाम खाई जा रही है, पहली पेंट बैठी हुई है। पेंट का मतलब ये होता है कि मतलब पेंट नहीं होता, पैंट होता है, समझ गए ना लोग, समझ रहे हैं। तकलीफ आ रही है एक तो मतलब अभी पहली पैंट बैठी हुई है, उसके बाद दूसरी पैंट बैठी हुई, तो दूसरी पैंट में हम खा लेंगे। और बाकी आर्मी कैसा लगा आज? बड़ा मजा आया, इतने ज्यादा क्राउड नहीं था, तो हम वापिस आ गए। तो अभी हम कहाँ जा रहे भाई? एंड पॉइंट जा रहे हैं अपना बिलासपुर के एंड पॉइंट में। और मैंने सुना है ये काफी ज्यादा सुंदर जगह है, क्योंकि यहाँ एक मतलब बहुत बड़ा डैम टाइप है, डैम है कि क्या है, झील है, झील है, गोविंद सागर झील, जो अपना ऊना में जाके लगती है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट कोई बात नहीं। हम आगे पीछे या भी बोथ साइड्स, या भी बोथ साइड्स, या भी बोथ साइड्स कह के ले लेंगे। हम आगे पीछे या भी बोथ साइड्स, या भी बोथ साइड्स, या भी बोथ साइड्स कह के ले लेंगे। हम आगे पीछे या भी बोथ साइड्स। चाचे मामे दी सपोर्ट नहीं हो नियत चे खोट, जनून अंदर परे आए बनने दा गोट। जिते खड़े तेरा यार मैटर हो जांदे आ क्लोज, तेरी पेमेंट तो भी ज्यादा मेरे खर्चे आ लॉट। बापू दे असूला तू मुंडा इंच भी ना बार, डर किसे दा नहीं मैनू चाचे मामे मेरे यार। तो गाड़ी होगी यहाँ पार्क, तो आपको ये जगह दिखाते हैं। ये है गोविंद सागर। और मेरे को सबसे कमाल की चीज पता क्या लग रही है? जय श्री राम, सबसे ज्यादा कमाल की चीज लग रही है बोट के ऊपर, मतलब सारी बोटों के ऊपर वो लिखाया हुआ है। और आगे की साइड जो बोट यूज की जा रही है वो चप्पू वाली है, ना कि मोटर वाली। तो आगे की साइड एक और स्कॉर्पियो लगी हुई है 0009, जो कि मेरी गाड़ी का नंबर है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ के प्रेजिडेंट विधायक की गाड़ी है, तो चलिए इनसे मिलते हैं, यहाँ के जो प्रेजिडेंट MLA है ना, उनसे भी बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस वाली बोट में किस्ती करते भाई, इसमें मजा आएगा, छोटी सी है ना। तो यहाँ हो रहा है लंच, हो रहा। क्या खा रहे भाई? राजमा चावल। नहीं नहीं आप खाओ, मेरे को भूख नहीं है। अरे भूख नहीं क्या, 6 मंगवाए हमने। खाओ सारे, शेयर करके खा लो। यार उस गाड़ी का लोहे देखो भाई, क्या लोहे है भाई। तो मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने अपने राजमा चावल ऐसे रख दिए। और बाकी अपने बंदे लगभग आधा एक घंटे के बाद आ रहे हो, देखो वो देखो कैसे मालिक चले हुए, हाथ से खाना खिला रहे हैं इसको, देखिए अपने हाथ से। बिस्लेरी पानी दीजिए, बिस्लेरी आपकी है। छोटा भाई नाराज हो गया है, गाड़ी में थी थोड़ी जाना भाई। यार बस करो यार, बस कर। ऐसे फूल लगेंगे फिर दोनों साइड लगेंगे, साथ में वो आगे लड़ पड़े बंदे भाई। क्रिकेट के चक्कर में लड़ पड़े हो देखो तुझे। ओ भाई ओ खतरनाक लड़ाई भाई, तूने ऐसे क्या कर दिया, मेरी बैटिंग थी भाई, आउट कैसे, मैं आउट नहीं हूँ भाई। ओ भाई लड़ाई होती है भाई, भाई भाई लड़ाई होती है, लड़ाई ये लड़ाई होती है जो कर रहे क्या कर रहे क्रिकेट वाली लड़ाई है। जरा गाड़ी में दिखाओ बोला है क्या क्या सामान नहीं दिखाना। तो यहाँ अपनी स्कॉर्पियो पहुंच गई है, और यहाँ डॉक्टर साहब की थार भी है। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? और जी कैसे हैं आप? पूरा कुर्ता पजामा पहना हुआ है, चल रहा है बस एकदम ठीक। और यहाँ अपने भाई भी है। हाँ जी, और विनय भाई डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? दोनों गाड़ी कर दी इकट्ठी, देखो भाई बंदा कच्चड़ हो गया, कर रहे क्या है भाई। ये हमारे बिलासपुर के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर, और बाकी अपने सारे भाईचारे आए हैं, और ये डॉक्टर साहब। और अभी दोनों गाड़ियां यहाँ कर दी है हॉस्टल के बाहर खड़ी। क्या हो रहा है कि डॉक्टर साहब आप ही लग रहे हो, माफिया बताए। और विनय भाई को क्या हो गया? विनय भाई काफिला निकालते, दो गाड़ियों का निकालते, काफिला निकाल दे। तो शाम का टाइम है, और इस समय हम सारे दोस्त जा रहे हैं चाप खाने बिलासपुर में। तो गाड़ी यहाँ कर दी है पार्क, तो चलिए अंदर की साइड चलते हैं। तो ये कैफे जहाँ की अभी भाई तो भाई दे रहे हैं ट्रीट चाप की, दे रहे हो ना?
भाई 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ, यहाँ भी 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, प्ले बटन वाले। पड़का सुबह क्या बोल रहे थे आप भाई तू भाई को? भाई थोड़ा ना क्या है? बिल्ला बोलते वैसे। मेरा नाम है अर्नब नेहरिया, धर्मशाला से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं काफी पॉपुलर हूँ बट आपसे ज्यादा नहीं। बोलो बोलो भाई। वेल लोडेड पिज़्ज़ा। बोल दिया। कुछ और? क्या क्या? अनियन रेड पेपर। तो यहाँ आ गया अपना पिज्जा, वहाँ भी आ गया अपना पिज्जा। भाई क्या कर रहे थे वहाँ? भाई ने पूरा 100 से लपेट दिए। भाई वो ठीक है, उंगली ठीक है, बताओ। एम्स में एक्सरे कराने के। तो पिज्जा काफी ज्यादा टेस्टी बना हुआ है, मतलब एकदम गर्मा गर्म पिज्जा है और इतना ज्यादा टेस्टी। भाई तो भाई स्माइल क्यों करते हैं? भाई तो भाई आपकी वीडियो में बोलता मैं कुछ। भाई तो भाई ने फ्लो फ्लो में चाह भी मंगा ली है। भाई घर में किसने खाना खाना? फिर आंटी ने ना मारना है झाड़ू से। बस बिलासपुर की आपको क्या लगता है अभी? आपको क्या लगता है अभी खा के हम पूरी दाम खाएंगे? ये आपको क्या लगता है पूरी दाम खा के, मतलब पूरा इतना खा के हम पूरी दाम खाएंगे? भाई एक्चुअली दोस्तों आप चाप ट्राई करते हैं, कैसी है चाप? तो ये मलाई चाप थी ना, ये मलाई चाप को टेस्ट करते कैसी है?